चैनल क्रिएटिव यामिनी आर्ट। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ टीनेजर्स मेकअप लुक, टीनेजर्स पार्टी मेकअप लुक। इस सेम लुक को आप नाइट टाइम में कर सकते हो, डे टाइम में कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बिल्कुल हेवी नहीं है। आप चाहें तो लिप शेड को अलग रख सकते हो, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, आपके पास जो अवेलेबल है, आपको जो पसंद है, आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग कौन सा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लिप कलर को रख सकते हो। और मुझे पर्सनली ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है। सो अगर आपको ये लुक पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है। पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उस पर भी हिट कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, तो मेरा नाम यामिनी बंसल है। मैं आपके संग शेयर करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, आर्ट, DIY, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोज़। तो कुछ इस तरीके का लुक मैंने आज क्रिएट किया है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ नीचे रेड कलर के वर्ड्स में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसी के पास में एक छोटी सी घंटी भी आ जाएगी, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ आप उस वीडियो से नोटिफाइड हो पाएंगे। वीडियो पसंद आता है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाह रहे हैं इंस्टा पे, आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं मेरी पर्सनल अपडेट के लिए, मेरी यूट्यूब लाइव के लिए। तो चलते हैं वीडियो में कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। सो गाइस, सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे, एक टोनर के लिए, एक मिस्ट के अगेन मैंने इसे यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये जॉय की सनस्क्रीम, ये सनस्क्रीम का भी काम करेगी और एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम का भी काम करेगी। बहुत ही लाइट फॉर्मूला है, लिटिल बिट कवरेज भी आपको दे देती है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटेक का लिप बाम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का मेकअप प्राइमर, ये ऑल डे प्राइमर है, टीनेजर्स के लिए अफोर्डेबल रेंज में बहुत अच्छा प्राइमर है और समर्स के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सिर्स ब्यूटी का ये मूद प्राइमर प्लस फाउंडेशन। पहले फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ। इसमें जो मेरा शेड है वो है 04। नेक्स्ट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अगेन मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप ब्रश से ब्लेंड करेंगे तो ईजिली ब्लेंड हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मी नाउ जनरेशन 2 का कंसीलर, आई मीन दी शेड 04। ये एक हाइलाइटिंग कंसीलर है, आप चाहे तो सिर्फ फाउंडेशन से भी अपना फेस को सेट कर सकते हो, बट ये ज़्यादा केमिकल्स वाला नहीं है तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ NYBA का कॉम्पैक्ट, ओनली अपनी आईलेट को अच्छे से सेट कर लूँगी थोड़ा बहुत। और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ MAC का आईब्रो पोमेड, ये बहुत ही अच्छा आईब्रो पोमेड है, मेरा फेवरेट है, बट ये टूट गया था, इस वजह से मैंने इसे यूज़ करना बंद कर दिया था, बट मैंने रिसेंटली वापस यूज़ करा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं अगेन यूज़ कर रही हूँ MAC का आई शेडो पैलेट और इससे ये बोगंडी शिमरी शेड पिक कर रही हूँ और पूरी आईलेट पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। देन एक अगेन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ही ऑरेंज शेड ले रही हूँ और अपनी आउटर वी में फोकस करते हुए थोड़ा सा क्रीज को डिफाइन कर रही हूँ, हल्का सा शेड चेंज करने के लिए। लैक्मे का काजल लिया है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत जल्दी फैल जाता है, मेकअप करते करते ये पूरा फैल गया था। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का लाइनर जो कि अगेन अफोर्डेबल रेंज में बहुत अच्छा है, स्टेइंग पावर अच्छा है, वाटरप्रूफ बोला है बट है नहीं, तो सिंपल सा थोड़ा सा मोटा लाइनर मैं अप्लाई करूँगी, इनर वी में थोड़ा पतला और आउटर वी में मोटा। मिस रोज़ का ब्रॉन्जर ब्लशर पैलेट से पिंक शेड ले रही हूँ, अपने फेस को अच्छे से ब्लशिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कलर एसेंस का मस्कारा जो कि वाटरप्रूफ नहीं है और मैं टीनेजर्स को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी कि आप वाटरप्रूफ लो, इससे आईलैशेस ख़राब हो जाएंगे अभी से ही। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये ब्लशर जो कि एक हाइलाइटर शेड है और 505 इसमें शेड है मेरा, और पूरे फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी, इनर कॉर्नर्स को भी। मालियो की लिपस्टिक ले रही हूँ, आई मीन दी शेड 10 बर्गंडी, लिक्विड शेड लिया है, ये 2-in-1 है, 70 rupees में आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। नेक्स्ट मेकअप को सेट करने के लिए मैंने लिया है किस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे। दिस इज़ माई फाइनल लुक, यू कैन सी कुछ इस तरीके से मैंने इसे कम्प्लीट किया है विद दिस कॉपरिश ज्वेलरी एंड वाइट टॉप। आप चाहें तो लिपस्टिक का जो शेड है वो रेड भी रख सकते हैं, बट रेड शेड जो है वो थोड़ा कॉमन भी है और ट्रेंडिंग भी है, तो थोड़ा आप अलग कलर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा मेकअप लगेगा। मेकअप को अगर थोड़ा लाइट रख रहे हैं तो लिप्स थोड़े बोल्ड रख सकते हैं, अगर आप मेकअप थोड़ा हैवी कर रहे हैं तो लिप्स को बिल्कुल न्यूड रखना है आपको। इस तरीके के मेकअप बहुत प्यारे लगते हैं।
वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है। पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय।